प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम सब के निर्माण के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से हम उपसर्ग जोड़कर किसी भी शब्द में बदलाव ला सकते हैं। यदि हमें कोई परिस्थिति को दर्शाना पड़े तो हम कभी कभी बहुत सारे शब्दों को छोड़कर किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें या तो उपसर्ग की सहायता लेनी पड़ेगी, या प्रत्यय की, या फिर संधि की। तो आइए अब हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे और समझेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग ऐसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व अर्थात आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अर्थात बदलाव ला देते हैं। जैसे उपसर्ग का मूल शब्द जोड़कर उपकार हुए, उपसर्ग जोड़कर सब बनाने के उदाहरण नंबर वन, अप उपसर्ग मान मूल शब्द जुड़कर अपमान हुए। यहां अप का अर्थ है बुरा। नंबर टू, पर उपसर्ग देश मूल शब्द जुड़कर परदेश हुए। तो यहां पर का अर्थ हुआ दूसरा। नंबर थ्री, दूर उपसर्ग बल मूल शब्द जुड़कर दुर्बल हुए। तो यहां दूर दूर का अर्थ हुआ कम, कमजोर, कम। और अन उपसर्ग जान जुड़कर अनजान हुए। तो अन का मतलब क्या हुआ? अन का मतलब यहां जैसे कि नकारात्मक हुए, जैसे कि हम किसी को नहीं जानते। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने के उदाहरण नंबर वन, उपदेश एक शब्द हुए। इसमें से अगर हम उपसर्ग और प्रत्यय अलग करेंगे, इससे हम उपसर्ग और मूल शब्द अलग करते हैं तो उसका स्वरूप इस प्रकार होंगे। उपसर्ग देश मूल शब्द। नंबर टू, दुर्गंध। तो इसमें से यदि हम उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे तो उसका स्वरूप इस प्रकार होंगे, दुर् रमे हलन ये उपसर्ग हुए, गं मूल शब्द। नंबर थ्री, प्रचार ये एक शब्द है। इसमें से यदि हम उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे तो उसका स्वरूप इस प्रकार होंगे, प्र उपसर्ग चार मूल शब्द। तो इस प्रकार से हम किसी भी शब्द में उपसर्ग जोड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला सकते हैं अर्थात परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद।